जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे सच्चे प्यार के बारे में, क्योंकि मुझे फिर भी कई बार इस टॉपिक को कवर करने के बाद भी बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं और बहुत सारे तरह तरह की बातें और बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं, उन सभी पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली और मुख्य बात है कि आप जब भी किसी व्यक्ति से सच्चा प्यार करते हैं, देखिए प्यार का दायरा बहुत बड़ा है। पहली बात ये क्लियर कर ले, प्रेमी और प्रेमिका के बीच तो प्यार है ही सही, जिसको जग जाहिर है, लेकिन प्यार जो है हम किसी से नहीं करते। बहुत से लोग जानवरों से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, बहुत से लोग मतलब प्यार का कोई लिमिट नहीं है और कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं बता सकता है कोई भी व्यक्ति कि किसको किससे प्यार हो सकता है। प्यार का एक दायरा बहुत बड़ा है। तो सबसे पहली बात है कि प्यार जो है वो होता है त्याग की भावना से, वो होता है बिना किसी स्वार्थ के, वही प्यार है जिसमें किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब आदान प्रदान से सीधे से वैचारिक आदान प्रदान अच्छी बात है, पर लालच नहीं होता है वहां पर। वहां पर निस्वार्थ भाव और आपका हित होता है, वही प्यार है, यही सच्चा प्यार है। दूसरी बात होती है कि विश्वास, जो कि आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। और विश्वास जो है करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात ये एड में करना चाहूंगा कि प्यार में धोखे की बातें आजकल बहुत सारी मुझे कमेंट्स मिलती है कि क्या है क्या नहीं है। तो कभी भी विश्वास करें, जरूर करें, लेकिन विश्वास को वेरीफाई भी करते रहें, चीज़ें सही गलत को भी वेरीफाई, शक ना रखें पर चीज़ों को वेरीफाई जरूर करते रहें। तो उससे वो क्या होगा कि हमारा विश्वास और मजबूत होगा और सच भी हमें सामने मिलेगा। तीसरी बात जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ और कहता आया भी हूँ कि जब भी हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसे कुछ वक्त ले जानने समझने में, खासकर ये जिन नवयुवकों की शादी होने वाली है, जिनकी सगाई हो चुकी है, उनके लिए ये मैं बात कहना चाहता हूँ, या कोई रिलेशनशिप में वो अभी चल रहे हैं तो थोड़ा वक्त जरूर लें, क्योंकि वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं और जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें ढकी की ढकी रह जाती हैं। तो जैसे जैसे वक्त होता है, आगे बढ़ता है, हमें व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलती है। ये एक हमेशा चीज़ों को आप याद रखिएगा। चौथी बात है कि ईश्वर का नाम हमेशा ले, जप करें, ईश्वर को हर बात अपनी कह दे कि ईश्वर ये ऐसी सी बात और आप हमारी रक्षा करें, कृपा करें, और वो बहुत दयालु हैं, कृपा करते हैं और आप हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि जाने अनजाने में कोई प्यार के नाम पर आपसे ठगी ना कर सके, आपको धोखा ना दे और आपके साथ कोई भी अहित ना हो, और ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन बहुत सी बातें ऐसे आने की वजह से थोड़ा सा हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इस वजह से मैं ये टॉपिक बनाया। अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लें, अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। इसका शुल्क लागू है दोस्तों, शुल्क पे करके आप बात कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स में एक राय लिखेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।